जबलपुर जनपद में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पूरे होने पर जिस ढंग से जनसभा में जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर के भीड़ उमड़ी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जौनपुर में एक तरफा इस बार लोकसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत से कमल खिलेगा और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए लेकर क्या रहे हैं, मैंने आपको भी अखिलेश यादव जी के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। पीडीए इनका पूरी तरह से फ्लॉप होगा, गठबंधन फ्लॉप होगा, 14 में 17 में 19 में 22 में गठबंधन बुरी तरह से प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। सपा बसपा का गठबंधन हो चुका है, सपा कांग्रेस का हो चुका है, अब ये जातिगत आधार पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जनता में घर घर पहुँच चुकी है। माननीय मोदी जी हमारे पास एक करिश्माई नेता हैं जिनका भरोसा देश की प्रत्येक जनता करती है जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर। हम कह सकते हैं कि प्रदेश की 80 की 80 सीटें इस बार बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। जौनपुर में अवैध नर्सिंग होमों का रैकेट चल रहा है, जौनपुर में अवैध नर्सिंग फिर बैठक है। देखिए आप जानते हैं ये चुनाव है वो लोग करेंगे लेकिन बुरी तरह से हारेंगे क्योंकि वो कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं और मोदी जी देश के लिए लड़ रहे हैं। राम मंदिर का बता दीजिए आप, मेडिकल कॉलेज का डेट बता दीजिए कब ओपन, बहुत जल्दी से। धूमधाम के साथ जयंती मनाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था कि इस देश में दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे। आज देश में भारत माता का झंडा जैसे जौनपुर में लहरा रहा है तिरंगा, वैसे कश्मीर की सभी सरकारी भवनों पर तिरंगा लहराने का काम कर रहा है। यह ताकत बदलता हुआ भारत, इसलिए मैंने जौनपुर के मित्रों आपके बीच में कहने के लिए आया। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो भारतीय जनता पार्टी के कमल को एक तरफा वोट मिलना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कुकृत्यों से जनता ऊब चुकी है, समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार कदाचार से जनता ऊब चुकी है। मैं अपने यादव समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, जब जब सपा सत्ता में आती है तब तब एक परिवार से 18-18 एमपी एमएलए ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। यादव बिरादरी का दूसरे परिवार का नंबर नहीं आता है। आपको सोचना होगा और भारत माता के लिए झंडा उठाकर कमल का सबसे आगे चलना होगा। इसलिए मित्रों मैं कहने के लिए आया, इस बार तो स्थानीय निकाय चुनाव में अद्भुत निर्णय हुआ है। 54 सदस्य हमारे अल्पसंख्यक समाज के जीत करके स्थानीय निकाय क्षेत्रों से आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, आज धरातल पर फलीभूत हो रहा है। इसलिए मेरे मित्रों मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि जौनपुर लोकसभा सीट पर कमल का झंडा लेकर के हम सबको चलना है, कमल का बटन दबाना है और सभी विपक्षी दलों की जमानत जब्त कराते हुए कमल को आसमान की बुलंदियों की ओर पहुंचाना है।